हेलो बच्चों, स्टडी किडा में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम अपने ओम्स लॉ को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, देखेंगे कि उसमें और क्या क्या फैक्टर थे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में आपने देखा कि ओम्स लॉ के नियम से वी बराबर में आई आर होता है। एक सेकेंड, ये शायद से आपको इधर दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए, वी बराबर में आई आर होता है ओम्स लॉ के नियम से। और हमने देखा था आर क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था आप लोगों का, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना, उस कंडक्टर की बात हो रही है। और रेजिस्टेंस क्या था, एक अपोजिशन था जो ऑफर्ड कर रहा था कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक तरह का अवरोध है, रुकावट है जो पैदा हो रही है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए। अब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो देखेंगे हम। तो रेजिस्टेंस आपका चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स हैं आपके, पहला तो है कि रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ के। यानी अगर मैं मान लीजिए मोटे तौर पर कहना चाहूँ कि यह आपका एक कंडक्टर है, है ना, मैंने मान ली इसकी लंबाई तो है ये एल, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की हो गई, और एक होती है मोटाई, भाई ये जो मोटाई होगी ना ये वाली, इसको आप ए से डिनोट करोगे, स्मॉल ए से। और स्मॉल ए का क्या मतलब रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलोगे आप इसे, यानी सिर्फ मोटाई कह के नहीं बोलोगे, आप इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहोगे। जैसे आपने पाइप तो देखी होगी ना, पाइप में जो माउथ रहता है होलो टाइप का, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है उसका। तो पहला फैक्टर क्या है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में कहूँ, मान लो कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और लेंथ है मान लीजिए 15 मीटर। अब आपसे कह दे कि नई लेंथ हो गई डबल, यानी 30 मीटर हो गई, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, नया डबल हो जाएगा, यानी 2 × 4 ओम हो जाएगा। तो लीनियर का मतलब ये, यानी डायरेक्टली का मतलब ये रहेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी उसी अमाउंट में बढ़ेगा, और लेंथ रिड्यूस होगी तो रेजिस्टेंस भी उसी केस में रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है चीज। दूसरा फैक्टर है, नोट करते रहिए आप साथ साथ, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था अभी, ये मोटाई थी ये वाली जिसकी हम बात कर रहे थे इधर, है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। यानी मोटाई बढ़ेगी ना तो रेजिस्टेंस घटेगा, इसीलिए थिक यानी मोटे कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन या करंट इजीली फ्लो होता है। आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा एग्जाम में कि बताइए कि एक पर्टिकुलर गिवन लेंथ के लिए, मतलब मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं, एक कंडक्टर ये है, इसकी लंबाई आपके सामने नजर आ रही है, और एक कंडक्टर ये है, दोनों की देखो लंबाई बिल्कुल सेम है ना, लेकिन आपसे के बताओ इनमें से करंट किस में इजीली यानी स्मूथली फ्लो होगा, तो इस वाले में, ये थिक है मोटा है, मोटा है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए ना। और रेजिस्टेंस कम होगा तो अपोजिशन कम होगा, अपोजिशन कम होगा तो करंट ईजिली फ्लो हो जाएगा। और वो वाला कंडक्टर कैसा था, पतला था, थिन, इसलिए उसमें से अपोजिशन ज्यादा रहेगा तो करंट इजिली फ्लो नहीं हो सकता। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के, ठीक। तीसरा फैक्टर देखिए, तीसरा फैक्टर मैं ये मिटा रहा हूं भाई स्पेस कम होने की वजह से, आप साथ साथ अपने नोट में करते रहिए नोटबुक में। तीसरा फैक्टर है आपका रेजिस्टिविटी, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, भाई आप किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हो उससे भी फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पे, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टिविटी के। यानी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब ये जो रो का सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये रो का सिंबल, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, या दूसरा नाम भी होता है इसका, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। नेचर मतलब वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, किस चीज का बना है उससे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घरों में जो वायरिंग करते हो ना, वो कॉपर वायरिंग है, तो उसमें से करंट इजिली फ्लो हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं उस कॉपर की जगह पे आप प्लास्टिक की वायर यूज करो, तो आपको पता है प्लास्टिक से करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अपोजिशन ऑफर्ट करेगा वो रेजिस्टेंस, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। तो प्लास्टिक की जो रेजिस्टिविटी है ना, वो ज्यादा होती है इसके कॉपर के रेस्पेक्ट में। आपने कहीं पे ना कहीं पे आपको अपनी बुक में जरूर देखा होगा, या आप एक काम कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, उसमें रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर करके डालना, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आप देखोगे कि जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, वेरी लो, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। इसीलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है भाई, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर आएगा सिल्वर। क्यों? क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होता है अमोंग ऑल दी कंडक्टर्स, यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब के रेस्पेक्ट में सिल्वर का कम होता है, जिसके रेस्पेक्ट में इसकी रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी कम अप्लाई करेगा, तो करंट इजिली फ्लो हो जाता है उस केस में, ठीक है। और एक लास्ट फैक्टर है चौथा, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा साथ में टेम्परेचर के ऊपर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। चौथा क्या है भाई, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इसके ऊपर, टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कूलर चलाते हो गर्मियों में, सुबह से दोपहर तक, यानी मानकर चलो 4 से 5 घंटे हो गए, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं बेटा कूलर को थोड़ी देर बंद कर दो, अदरवाइज मोटर खराब हो जाएगी। उसके पीछे कारण क्या है, उसमें कॉपर वाइंडिंग होती है, और परफेक्शन किसी के पास नहीं है, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट में सभी अपोज करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, तो कॉपर भी अपोज करता है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसको, तो धीरे धीरे जब अपोज करेंगे तो वो हीटिंग इफेक्ट आती है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है कॉपर वायर का। टेम्परेचर बढ़ने से उस वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी, और अगर आपने कूलर को बंद नहीं किया तो मोटर कुछ समय बाद जल जाएगी, यानी कॉपर की वायर की जो इंसुलेशन होती है वो पिघलना शुरू कर देगी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो याद रखना है आपको, जितने भी आपके पास मेटल है ना, इन मेटल का रेजिस्टेंस सबका बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने के से, ठीक है। तो मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये चार फैक्टर थे, कौन कौन से। पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तीसरा रेजिस्टिविटी जो कि नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करती है, और चौथा हो गया टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये थे रेजिस्टेंस के फैक्टर, यानी रेजिस्टेंस इन इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एक बार मैं वापस से लिख देता हूं चारों फैक्टर को, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। टेम्परेचर का तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में क्या होता है वो मैं एक बार आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। इस पे न्यूमेरिकल काफी हार्ड आते हैं, जैसे कि मानकर चलो 12th क्लास के जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन हमारे रेलवे एग्जाम में इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, क्योंकि इनको सोल्व करने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है, तो इतना हार्ड लेवल नहीं आते रेलवे में कभी भी, तो मैं इसके आगे बढ़ना भी नहीं चाहूंगा। देखो, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड हो गया था, लेंथ पे डायरेक्टली प्रपोर्सनल, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्रपोर्सनल लेंथ को मैं ऐसे सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, और ये रजिस्टिविटी पे अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक। तो ये जो सिंबल था इसको बोलते हैं रो, ठीक है। और ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या रेजिस्टिविटी बोलोगे आप इसको, रेजिस्टिविटी। अब यहां से ना रेजिस्टिविटी स्पेलिंग देख लेना आप, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट पूछते हैं एग्जाम में,
तो मुझे इसकी ऐसा यूनिट निकालनी है। तो मैंने क्या किया, बाकी चीजों को उधर ले गया, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उधर ले गया तो आर से गुना हो जाएगा और लेंथ ऊपर था उधर जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में, यानी रजिस्टिविटी इसके बराबर हो गई। आर रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी भाई, ओम होती थी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई होती है। देखो ये कंडक्टर है ना, यही तो है मोटाई, और मोटाई बिल्कुल गोले जैसी दिख रही है, यानी सर्कल के जैसी दिख रही है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर है, पाई आर स्क्वेयर के। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर स्क्वेयर। एरिया की मीटर स्क्वेयर होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है ऐसा यूनिट में, और लेंथ की सिर्फ मीटर होती है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट हो गई मीटर स्क्वेयर, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। 1 मीटर 1 मीटर को काट देगा तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। बीच में ऐसे स्लैश दिया जाता है, गैप, जिसको आप माइनस का साइन सिंबल बोलते हो। कारण क्या है, ओम एक सरनेम है किसी का, और सरनेम को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगर आपको ये बीच में गैप नहीं होता ना, तो आप ऐसे बोलते हैं ओम मीटर, तो वो एक रिस्पेक्ट नहीं मिली। इसलिए सरनेम को रिस्पेक्ट देने के लिए पहले ओम बोला जाता है, थोड़ा गैप दिया जाता है, उसके बाद मीटर बोला जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या है बच्चों, ओम मीटर, ठीक है ना। तो रजिस्टेंस इन फैक्टर पर डिपेंड करता था। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, रजिस्टिविटी के फैक्टर पे, रजिस्टिविटी के फैक्टर पे और हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो रजिस्टिविटी का जो नेचर है ना, ये मटेरियल की वजह से होता है। यानी आप, मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, इनको याद रखना है आपको। आपको कहीं पे दे दे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, तो इनका यूज ही देखो, इनकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे आपके मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, है ना, उनमें यूज की जाती है कंडक्टिंग के लिए। कॉपर एल्यूमिनियम का, इनकी रेजिस्टेंस सिल्वर गोल्ड से थोड़ी सी ज्यादा होती है, इनका हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, या और हम यूज करते हैं वाइंडिंग के अंदर। वाइंडिंग किसकी, मोटर की हो गई, ट्रांसफॉर्मर की हो गई, ऐसे जनरेटर की हो गई, जनरेटर हो गया, इनकी वाइंडिंग के लिए। आपने सुना होगा ना, सर ये मोटर 6,000 रुपये की है क्योंकि इसमें कॉपर वाइंडिंग है, सर ये 4,000 की क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है ना, तो वो सब आपने सुना होगा। तो ये तो मेटेरियल यहाँ पे हो गया। दूसरा और देखो, बाकी टंगस्टन, टंगस्टन एक एलोय है बच्चों, ठीक है, एक एलोय है। एलोय क्या होते हैं पढ़ेंगे आगे, बाकी मैं बेसिकली बता देता हूं। दो या दो से ज्यादा मेटल को अगर मिक्स करके कोई नया सब्सटेंस बनाया जाता है, उसको एलोय कहते हो। तो टंगस्टन का हम हीटिंग एलिमेंट, यानी जो बल्ब का फिलामेंट है ना, बल्ब फिलामेंट में यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, 3,450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और ज्यादा टेम्परेचर पर ये खराब भी नहीं होता है, यानी जलता भी नहीं है, ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। तो बल्ब के फिलामेंट आपने देखे होंगे, पहले जो येलो कलर के बल्ब आते थे 100 वाट के, आजकल तो एलईडी से रिप्लेस हो गए हैं, लेकिन हम पहले के टाइम की बात कर रहे हैं। तो बल्ब फिलामेंट किस चीज का बना होता था, टंगस्टन का। अच्छा हीटिंग डिवाइसेज जो हो गई, हीटिंग डिवाइसेज जैसे कि आपकी भाई वाटर वाली रोड है, पानी गर्म करने वाली, हीटर वाली कोयल है ना, गीजर वाली जो कोयल है, ये सारे के सारे जो हीटिंग मटेरियल है, वो प्रेस वाली आयरन जो हो गई ना, आयरन के अंदर जो वायरिंग होती है, वो सब इन मेटल की बनी होती है, नाइक्रोम, क्रोमियम, क्रोमियम या मैंगनीन, मैंगनीन, ठीक है, नाइक्रोम, क्रोमियम, मैंगनीन या नाइक्रोम क्रोमैग्नीन, हाँ इन चीज, इन तीन तीन तो तीनों का यूज किया जाता है हीटिंग डिवाइसेस के लिए। आप देखना कभी पानी गर्म करने वाली जो रोड होती है ना, अगर वो फट जाए, मतलब खराब हो जाए, डैमेज हो, तो उसको तोड़ के देखना, एक पतली सी वायर मिलेगी, मतलब ज्यादा पतली भी नहीं लेकिन ज्यादा मोटी भी नहीं होती है, एवरेज टाइप में होती है। उसमें आप देखोगे ना तो मतलब थोड़ा सा डार्क कलर का और फेड कलर का, मिट्टी वाली और डार्क कलर का ऐसे वायरिंग सी दिखाई देगी, वो नाइक्रोम की होती है बेसिकली। इसीलिए जो कंपनियों की जो रोड्स होती है वो महंगी होती है, क्योंकि उनमें परफेक्शन के लिए यानी अच्छी हीटिंग के लिए इन वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था रजिस्ट्रिटी के बेस पे किस किस मटेरियल का कहाँ पर यूज किया जाता है।
और रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ओम्स लॉ के अंदर ये चीज़ें सारी देखने के लिए थी। इन पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से ही बार बार रिपीटेशन में रखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।